नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, झारखंड से ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। झारखंड अवध संवर्ग शिक्षक नियमावली 2023 पारित कर दिया गया है। इसको जामा मल्ला पहना दिया गया है। देखिए इसमें क्या है कि स्नातक पास अब सीधे बनेंगे BEEO, ठीक है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पद पर डायरेक्ट बहाली होगी, स्नातक पास बनेंगे। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, ठीक है। यानी कहा जाएगा कि झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 गठित हो गई है। अब BEEO के पद पर होगी सीधे बहाली। झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को निरस्त करते हुए झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 गठित की गई है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन्हें 9300 से 34800 रुपये का वेतनमान एवं 4200 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। वहीं सेवा के 8 साल होने के बाद उन्हें 2 प्रोन्नति भी दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षक के पद पर इनकी बहाली की जाएगी। प्रोन्नति के बाद उनका ग्रेड पे बढ़कर 4600 रुपया हो जाएगा। वहीं इन पदों पर 8 साल की और सेवा देने पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उप सचिव सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी पर नियुक्त हो सकेंगे। उम्र सीमा सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राज्य विकास विभाग द्वारा सरकारी सेवा नियुक्ति निर्धारित है। यानी कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष इसमें किया गया है। परीक्षा से होगी नियुक्ति। सीधी नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग अधिकतम प्रवक्तांक के आधार पर योग्य व्यक्तियों का चयन कर रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में सूची तैयार करेगी। इसके लिए योग्यता निम्न रखी गई है। प्रथम योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या बीटेक या बीबीए या बीसीए या एलएलबी और साथ में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड होना चाहिए। अथवा में दिया गया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मानदंड क्रिया नियमावली 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो। या तीसरा में है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीटेक बीबीए बीसीए एलएलबी एवं साथ में द्विवर्षीय बीएड। अथवा में लिखा जाएगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीटेक बीबीए बीसीए एलएलबी एवं द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में किया हुआ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परीक्षा दे करके बन सकते हैं। और यदि आप झारखंड में हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, यदि झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से जुड़ सकते हैं। जेटेट परीक्षा की तैयारी भी शुरू करवा दी गई है, आप यहां से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।